खुदा के नूर से पैदा हुए हैं पांचों तन, मुहम्मद अली फातिमा हुसैन हसन। घबराया क्यों है? की होया जे रब ने सानू दो धीआं कठिया दे दित्तियां ने? मैं खुदा दे घर दुआ मांग के आई हां, तू भी जाके मंग, रहमत ही हो जाएगी। बरकत की दुआ मंगी सी, तू दो तिया का बाबल होके बच्चे चुकन का कारोबार करना। तू मैं अंदर जान दे जंदे। नहीं ताजिया, अंदर ना चल, लोग इन खुदा का घर समझ के शक कीतिया बिना कोलो दी टुर जाएंगे। तू अंदर जाके अपने जुर्म में खुदा दे पाक नाम में शरीक कर लेगा। कड़ी ला मैं Thank you.
चाचा शुक्र है पुत्र क्या दिन देखा है मेरा सेब है हाँ मेरी गुडोती जिद करके तेरे कोलों कोई चीज मंग बैठिया ते कित्थों लिया के देंगा हाँ अपने यार ठेकेदार को चलना और पागल के पुत्रो एक मेरी आने और टिके वोट मुड़ के कभी वापस नहीं जाते और जे तुसी हुण अम्मी दा ना लिया ते मैं की मार जा देगा ठेकेदारा पता जिया और सुनावे जेलों कदों आए बस सीधा तेरे वाली आया और बैठ जा यार नहीं मैं बैठन नहीं आया ठेकेदारा खलोता खलोता तेरे नाल गल करना चाहना मैं कुछ पैसे चाहिए ने पैसे आहो पैसे तिना साल बाद घर चले हाँ खाली हाथ घर जाना चंगा नहीं लगता घर जान तो पहला शहर का एक फेरा ला के कोई काम तो दाना लाया तो तेरे नाल साड़ा ही भला हो जाएगा नहीं ठेकेदारा तू मैं कुछ उधार दे दे खाली मेरा किसे बाल मत बन ते दिल नहीं करता ओए दिल ते आंख लगेगा ते भुखा मर जाएगा ओए इधर देख ए नोट तेरी राह पे उड़ीक देने छेती जा ते कोशिश करें को बल मार लपे सौदा भी छेती हो जाएगा ते नाले चार पैसे भी बल लप जान गए चंगा भैया जो नसीबा च लिखे हैं गुड्डो रानी फूल लेने की ना है तेरा नाजो नाजो बड़ा सोना ना है तेरा बर्फी खाएंगी बर्फी आहो बर्फी ते नाले मैं तेनु सोने सोने खिडौने लेके देंगा मैं नहीं जाना मां नाराज होएगी घबराना नाजो मैं तेनु चीजा देके हुणी इत्थे छड़ जाऊंगा चल बाबा चल फिरना की है सौदा मुका अल्लाह 200 रुपया कुल 200 50 और लल्ला यार 50 ठेकेदारा जरा अपनी अखां च दी जवानी दा नक्शा ते खिच जदो इहदे पैरां च कुंगरू छणके ते उहनां दी इक इक छनकार ते सोने चांदी दी बारिश होएगी ओए ओ दिन ते जवानी दे सुतागर ही वेखणगे ताजिया ओए असीं ते बचपन दे व्यापारी आ बिल्कुल ठीक कहता 50 और लल्ला ओए बखील ना बन खुल के मुल पा अल्लाह यार ताजिया 500 रुपया अगो बिल्कुल नहीं बोलना 500 बुरे कर असी समझांगे चांदे चोर दी लंगूटी सही मेरी बर्फी बर्फी नाजो नाजो मां मर जाए ऐसे ही छड़ के गई सा नाजो 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 मैनू एक बारी भी मिलन नहीं आई खैर कोई गल नहीं पर हुण ते मैनू कानून ने भी माफ कर दिता है जनते रब दा वास्ते तू ही मैनू माफ कर दे
कानून ने ते तेनू माफ कर दिता ताजिया, रब ने तेनू माफ नहीं किया। एक ही कह रही है जनते, तू लोगों के दीवे बुझाने बाज नहीं सी आता, अज किसी जालम ने तेरे अपने घर का दीवा बुझा दिता, वही तेरी धी नाज़ो नू चुक के लै गई। जनते की सट मार दी आ, सट खा के किधरे खड़ा खलोता ना मर जाई ताजिया, मावां दे कलेजे वेचण वाले उस व्यापारी नू किधरे लभ, ते जे उहदे कोलों धी नजर आ गई ते ओनू मेरे सां नाल तोड़ के लाया। ए कौन है जनते? ए मेरे दिल का एक टुकड़ा है ते दूजा टुकड़ा अखा तो ओले हो गया, तेनू चंगी तरह पछाण लिया, तूनू खबरे केड़ी नेरी उड़ा के लै गई है। नहीं जनते, मैं बदनसीब आप नेरी बढ़ के आया सा, पर तू फिक्र ना कर, मैं हुणे तेरी धी नू लैके आउना, हुणे तेरी धी नू लैके आउना। तांडे तेरे कोठे ते पहले ही बड़े असार ने दौरा भाई, हूं तेनू असीं यह तोहफा देण लगे हां, 5000 रुपए का मुल नहीं साड़ी मजदूरी। मैं ते नाराज नहीं करना ठेकेदारा, एले फड़ 2000 रुपया बयाना ते बाकी रकम पहुंच जाएगी। कोई गल नहीं, घर वाली गल है। ठेकेदारा ये बयाना ना फड़ी, मैं सौदा नहीं हों देना। तू किथे गया सी, नानू मैंने बड़ा मारा। बड़ा मारिया ने ती राणी, जदों किसी का मां प्यो पति दे पासे वल तुर पे तो उन्होंने जुर्मां की सजा औलाद में भी भुगतनी पैंदी है, पर हूं मैं तेरा वाल नहीं विंगा हुण देंगा। ठेकेदारा मैं लालच तो अन्या होके अपनी अखां का चानण तेरे अगे वेच गया सा, एला फड़ अपने पैसे, एदे विचों कुछ खर्च हो गए ने तो मैं तेनों बड़ी छेती वापस कर देंगा। ताजिया तू कुड़ी बेच गया सा, रकम अपनी मर्जी दी लई सी, हुण इहदा सौदा कर। सौदे का नाम लैके मैनू काफर न कर ठेकेदारा, जिहड़ी रकम दित्ती सी उहदे सूद की गल कर, जो मुंह कढेगा मैं तेरी पाई पाई अदा कर देंगा। और तू चंगी तरह जानदा है जिथे इंसान ते उहदी इज्जत विकदी है उत्थे उधार नहीं हुंदा, रकम नकद देनी पैंदी है। नहीं ठेकेदारा, लोकां दे बाल वेचदिया वेचदिया मेरा जमीर मर गया होया सी, तकदीर ने मेरे हथों मेरी धी चुकवा के मेरी गैरत जगा दी है, हूं मैं अपनी धी नूं अपने नाल लैके जावांगा। नहीं दाजिया, मुल वटण तो पहला है तेरे धी सी ते हुण ए मेरी मलकीयत है, इहदा हकदार मैं पाई नूं बणाता है। होश कर ओ ठकरा। Thank you.
तेरा ध्यान किधर सी? जे ब्रेक ना लगती तो फिर चंगा होंदा सी, दोवें गड्डी थले आके मर जांदे। ओ मियां, तू जिंदगी तो इना मायूस क्यों है? तेरी मां की दुआ ना मंगे तो होर की मंगे? तीन बीमार है ते दवा दे पैसे कोल कोई नहीं। मैं तो सोचना रब धियां दिंदा पर दवा दे पैसे क्यों नहीं दिंदा? ओए ओ गफूर रहीम, बड़ा बेनियाज है, ओने कमां दी शिकायत नहीं करी तुंदी मियां। चल बैठ गड्डी च, नु अस्पताल लै चलिए। चल पुलिस की शहादत ते ताजे दे इकबाले जुर्म कर लैण दे बाद यह साबित हो चुका है कि ताजा कातिल है। लेकिन फाजल वकीलां दी जिरह दे बाद अदालत इस नतीजे ते पहुंची कि इस कतल च इरादे नू दखल नहीं, यह इश्तियाल का नतीजा है। लिहाजा मुलजम ताजे नू 14 साल कैद बा मुशक्कत की सजा दी जाती। हम इस बेबी को ऐसा तरबियत देगा, ये एकदम हाई जेंट्री में चला जाएगा। थैंक यू। भाई दिवे, इस घर में कोई और लेडी नहीं है? इस घर में औरत होती तो मैं आपको तकलीफ क्यों देता मिस सोनिया? ओ गॉड, तो आप इस घर में अकेला रहता है? बस यही समझ लीजिए। वेरी सैड, हम जानता है इस दुनिया में अकेला रहना कितना बड़ा ट्रेजेडी है। वेल, फिक्र का कोई बात नहीं, हम आपका भी ख्याल रखेगा। नहीं मिस सोनिया, आपको मेरा ख्याल रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपकी ड्यूटी सिर्फ बच्चे की देखभाल करना है। अच्छा मैं जाता हूँ, जरा आप बच्चे का ख्याल रखिएगा। ओके सर। व्हाट डू आई मीन, एकदम खुश। वेल बेबी, क्या नाम है तुम्हारा? बोलो बेबी, क्या नाम है तुम्हारा? नाजो, यानी के नाच। हम तुमको अंदाज भी सिखा देगा, हम तुम्हारा लायक बना देगा। फाइन, सुपर फाइन। बेबी, कल हमने तुमको जो डांस का लेसन दिया था याद है? कमान बेबी, चलो डांस कर। वंडरफुल बेबी, वंडरफुल। आप मैडम सोनिया का स्टूडेंट एकदम परफेक्ट हो गया है। पढ़ना में, डांस में, अब पूरे सिटी में तुम्हारे मुकाबले में कोई डांस नहीं कर सकता बेबी।
कल्चर में बच्चे लोग आपस में बात करता, हम बूढ़ा लोग जाता। सलीम, तू किथे से? तेरे सामने। मेरा डांस वेख्या सी? आहो, दिल करदा सी तन स्टेज तो चुके ते अपनी अखा छुपा। ओ क्यों? पता नहीं, हुण वी ओही करता है कि तैनू मेरी अखा तो सिवा और कोई ना वेखे। ओ फुलिश, सलीम, इंसान का दिल वसी होना चाहिए। सॉरी, मैं तो डिस्टर्ब तो नहीं किया। नहीं अख्तर, यार भी कभी डिस्टर्ब कर देने। मेरा ख्याल है मिस नाज, तुम्हारा डांस मेरे होटल का बेस्ट शो है। शुक्रिया अख्तर साहब। तुम्हें मिलने वास्ते बेशुमार लोग आए सन, मैं उन्होंने सारे बाहर ही रोक दिता है। कुछ ऑटोग्राफ दे दे। ओ, विद प्लेयर। फंड भी काफी इकट्ठा हो। अख्तर साहब, यह सारा फंड खराती अस्पताल से दे दो ताकि गरीबों को इलाज की तकलीफ ना हो। गुड गुड, और मैं चंद्रे लगा देंगा। अच्छी यार, रानी महारानी लग रही है। रब जान दे अपनी फिल्म बनाऊंगा तो तेनों दे जरूर लाऊंगा। और मैं क्या पहलवान, वो खिलाना पान साची मार का। लो जनाब। आओ खैरा। मैं क्या, वो यहाँ पे अपने दिल की रानी आ गई है। मैं क्या बाली जी, कभी कोई खराती अस्पताल नहीं है तो आना भी ठीक होया। जिद छड़ के साड़ी गल मन लै, असी वड़े तो वड़ा डॉक्टर तेरी मां से भेज देंगे। रब दा वास्ते मैनू कर जान दे, नहीं तो मेरी मां मर जाएगी। वो मरदी है तो मरन दे सू, असी आप तेरा भार चुक लेंगे। वीरा, रब दा वास्ते इस बदमाश को मेरी इज्जत बचा ले। तौबा कर कुड़िए, शहीदे बदमाश ना कौन मत्था लाए। भरावा, तेरी कोई पैन है? बकरियां ने तेरी आवाज तेने चो कोई भी नहीं आवेगा। जे दुनिया की गैरत सौ गई है ते मेरी हरपा तू ही मेरी इज्जत रखी। और जिन्हों मर्जी आवाज मारना। और तू कौन है मेरा हाथ रखने वाला? उस रब का एक बंदा जिन्हों इस मुटियार ने आवाज मारी है। और चुप करके चला जाए इतों, नहीं तो लत्ता मां अपना कर टैक्सी चलाने जोगा भी नहीं रहेगा। और लत्ता बामा उन्होंने दिया पाई दिया ने जिन्हों के लहू च आराम की कमाई हो। चंगा फिर तगड़ा आ जा। Thank you.
खत्म करो। सीधा बोस्ती वाला उन बड़ी हो गई, तुझी हार मान नहीं लगा। ओए मैं चंद्र ओए मैं किए कुछ नहीं पाजी, एक पहले तुझी आदमी हो जिन्हें इन्हू नत पाई है, नहीं तो साढ़े को कमीशन लैन वास्ते रोज टिकटिकी लाई बैठता थी। हेलो साढ़े वालों मीठा कर दो। हेलो मेरे वालों सांझी पान से मीठी बोतल पी लेना। हेलो पति घर जाके चाह बना लेना। और नहीं मियां नहीं, यह सारी कमाई तुसी अपने बच्चों लिए रखो, मैं कोई बदमाश नहीं जरा ताले को कमीशन लवा। एक शरीफ आदमी हाँ, तो किसे शरीफ की इज्जत बचाना अपना फर्ज समझना वा। चंगा भाई चंगा। रात को कल्ली करूं क्यों निकली सा? मां बीमार सी ते दवाई लेना ही सा। कोई मर्द कार नहीं सी? जे मर्द होता ते मैनू हनेरी कले आन की लोड़ सी। जीदा टैक्सी वाला मेरा नाम है, जे कदी फिर मेरी मदद की लोड़ पवे ते किसे भी अड्डे तू मेरा पूछ लवी। चला हूं तेन मैं कार छाटा वा। तुसा पहले मेरे से बड़ा एहसान किया, और तकलीफ ना करो, मैं आपके घर चली जावांगी। बिस्तूम बैग में कुछ दे दा राय मोला। मेरे को धक्का है गई, दे आई या माफ कर। कल दा फाक है। वो कल दा फाक है तो तुहाडा आटे वाला कनस्तर मैं चुक ले आया। तेरे बच्चे नहीं खैर, अल्लाह तेरी कमाई विच बरकत पाएगा। एक चार से आटा ले दे। चार से आटा की तंदूर खोल ले। मंगती ने कोई महल से नहीं मंगया। महल मेरे को ना मंगी, मैं को मुगलिया खानदान चो नहीं। चुपारे का सवाल तो नहीं किया, एक चार से आटा ही मंगया ना। आठे जी खान वाले ने ते कमान वाला एक ही मिले। वाकई कहानी तेरी दर्दनाक है, ते जो मैं कहूंगा वो करेंगे तो तेन चार सर आटा मिल जाएगा। की करना पेगा? कोई ऐसी गल नहीं, तू कानू रे कर। तेन मंजूर है? मैं मंजूर। ते चल फिर मंडवा शुरू करिए। रौला ना पाओ, मेरी रूह तकलीफ होंदी है, रह गया मेरा इलाज। मेरा इलाज हकीम साहब करनगे ते मेरे कोल ते पैसे कोई नहीं, मैं गोडे विच अपनी कित्थों पवांगा। ले ले 10 रुपये। बहु जी अन्या दा हक नहीं मारी दा, 50 रुपये ते पट्टियां ते लग जाएंगे, 50 रुपये रक्षा टैक्सी दा किराया लग जाएगा, ते बच्चे नूं रोटी मैं तुहाडे घरों खवाऊंगा, तुहानूं मैं थाले जाना पएगा। ओए ले ओए ले ओए ले 100 रुपया जा के गुजर मुजर करियो, कमीज ते छड्ड। कित्थे 100 रुपये? जाओ जा। हाँ जी। आ नोट का धागा चेक कर ले, मैं तो पट्टियां लैन जाइए तो फड़े जाइए। ठीक है तुसी जाओ बाबू जी। हूं जाओ जा। हाँ जी। हेल्प चुक मैनू। शुक्र बहुत अच्छे, भी डायलॉग बहुत अच्छे बोल रही, तू फिल्मा च पार्ट बहुत अच्छा कर सकनी। आ लोड मैनू दे। हाँ खाना खराब हो गई, शक्ल भी नहीं विखाई, सहरे साडा घर वस जांदा। शुक्रिया गॉड, इस वेले ते लैफ बनाती जी। ब्रादरान इस्लाम, वालेकुम अस्सलाम। मैं एक मजलूम बेवा हूँ, मेरा शौहर और माँ बाप जंग में मारे गए हैं, इसी सदमे से मैं गूंगी हो गई हूँ। लग दी नहीं? बस 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 बस, मैंने यकीन आ गया। फीस बिलीला मेरी कुछ इमदाद करे ताकि सिलाई की मशीन खरीद कर अपनी और अपने मासूम बच्चों की गुजर औकात कर सकूं। खुदा आपको इस कार्य खैर का अजर दे। चलो फौजिया, 5 रुपये नेकी के अकाउंट भी जमा करा दे। एला बीबी तेरा भला तो मेरी खैर। Thank you.
की मेरी गल छड़ भैन मोमबत्ती है मैं ते कार दे खर्चे तो अलावा फिल्म दे शो दे पैसे भी कठे कर लेने तू सुना आज बड़ी पेंचर होकर लगी फिरनी है गर्मी बहुत ही सी नहीं की दसा आज पब्लिक ने पता नहीं तरस खान की छुट्टी की हुई है सोचा थी चाची चोर तो भतीजा सिंह का आखिरी शो वेखांगी पर हाली तक आधा खर्चा पूरा आया फिल्म किसा वेख सकनी हूं मैं क्या पागल खानी कभी तू मेरी मने ना हां ते आज शाम नु माल रोड का चक्कर ला ले अच्छा इमानत सेट हो जाएंगी जे रकम बहुत इकट्ठी हो जाए ते खुट का सानू भी ला दे तू फिक्र ना कर मैं क्या असि भी आज दिलों के सौदे की बजाय चाची चोर भतीजा आशिक का आखिरी शो वेखांगे ठहर जा मॉडर्न मॉडर्न फकीर नहीं है मैं कहो ना इधर तक मैं तेरा शौहर जरा जंग च मारिया गया सा मैं तो फिश्तिया को अद्धे घंटे की छुट्टी लेके आया तेन मशीन खरीद के देनी मान मैं तो फकीर नहीं मैं तो शहजादी है वेख मेरी पोशाक वाह वाह मैं तेन वेखा नहीं शाही महल चल हट इस दुनिया ते मैं प्यार करने निकलिया सा जिस वेले दुनिया ते मैं रंग बिरंगे फ्रॉड देखे ते आ फ्रॉड हो गया अज तेनू वेखिया ते तू मेरे दिल च खुब गई हो ते तेनू वेख के दिल करदा है दिल करदा है ਇਹਦਾ ਥਾਂ ਜਾਣ ਦਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਸੰਤੇ ਬਾਸ਼ਾ ਤੁਸੀਂ ਸਲਾਮ ਅਲੈਕਮ ਓਏ ਤੇਰੀ ਕੀ ਲੱਗਦੀ ਓਏ ਓਹੋ ਮੈਂ ਸਮਝ ਗਿਆ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਰੇਆਮ ਨਕਾਬਲੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਹਰਕਤਾਂ ਕਰਕੇ ਤੇ ਪਬਲਿਕ ਦੇ ਜ਼ਿਹਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੁਰਾ ਅਸਰ ਪੈ ਪਾਨੇ ਆ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਮੋਤੀਆਂ ਲਿਓ ਦਰਅਸਲ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਭਰਜਾਈ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣੇ ਹੁਣੇ ਸੁਣਿਆ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਛੋਟਾ ਭਤੀਜਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਦੁੱਧ ਨਹੀਂ ਪੀਂਦਾ ਉਹਦੇ ਮਸੂੜੇ ਫੁੱਲੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਹਕੀਮ ਦੇ ਲਿਜਾਣਾ ਲਾ ਗੱਲ ਇਹ ਮਾਫ਼ ਕਰਨਾ ਬਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਮੇਰਾ ਫਰਜ਼ ਸੀ ਫਰਜ਼ਾ ਲਿਓ ਜੇ ਚੈੱਕ ਹੀ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਤੇ ਬੱਸ ਸਟਾਪਾਂ ਤੇ ਜਾਇਆ ਕਰੋ ਜਿੱਥੇ ਹਰ 2 ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਛੇੜ ਕੇ ਨੱਸ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਅੱਛਾ ਬਈ ਸਰ ਅੱਛਾ ਜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਉਹ ਚੱਲੀ ਕਿੱਥੇ ਨਾ ਖਾਣਾ ਖਰਾਬੇ ਜੇ ਮੇਰੀ ਬਾਹ ਛੱਡ ਪਹਿਲੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਤੇ ਇੰਨੀ ਲੰਮੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਗੰਢ ਲਈ ਗੱਲ ਲੈ ਕੇ ਮੈਂ ਫਜ਼ੂਲ ਵਕਤ ਜ਼ਾਇਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਤੂੰ ਇਹ ਦੱਸ ਕਿ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕਿਹਦਾ ਲੱਗਾ ਜ਼ਹਿਰ ਲੱਗਾ ਵੈਸੇ ਬੰਦਾ ਚੱਲਦਾ ਪੁਰਸਾ ਹਾਂ ਚੱਲਦੀ ਫਿਰਦੀ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਕਾਰਪੁਰ ਦੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸ ਤੂੰ ਰਹਿਣੀ ਕਿੱਥੇ ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਪੁੱਛਣਾ ਕਿਉਂ ਪੁੱਛਣਾ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆਮ ਦਰਖਤ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਉਹ ਕਿਉਂ ਤੇਰਾ ਹੁਸਨ ਵੇਖ ਕੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਦੀ ਪਿਆਰ ਦੀ ਪੱਤੀ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਖੋਲਣ ਲੱਗ ਪਈ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ 2 ਕੱਪ ਚਾਹ ਦੇ ਬਣਾ ਕੇ ਤੈਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਕਾਪੀਆਂ ਤੇ ਜ਼ਿਹਨ ਸਕੂਨ ਪਾ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਘਰ ਨਾ ਆਵੀਂ ਕਾ ਖੈਰ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਅੱਬਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹਨੇ ਤੈਨੂੰ ਟਿਕ ਟਿਕ ਲਾ ਦੇਣੀ ਹੈ ਬੱਲੋ ਉਹ ਛੱਡ ਤੋ ਉਸ ਤੁਹਾਡੀ ਟਿਕ ਟਿਕ ਮੈਂ ਆਪ ਆ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦਾ ਪਤਾ ਦੱਸ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਘਰ ਐਂ ਜਾਵਾਂਗਾ ਜਿਵੇਂ ਸਮਗਲ ਹੋ ਕੇ ਸੋਨਾ ਆਉਂਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਬੱਲੋ ਫੜਿਆ ਵੀ ਜਾਏਗਾ ਤੂੰ ਐਂ ਕਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਆ ਕੇ ਬਿੱਲੋ ਦੇ ਅੱਬੇ ਦਾ ਘਰ ਦਾ ਪਤਾ ਪੁੱਛ ਲੈ ਤੂੰ ਆਪ ਸਾਡੇ ਘਰ ਆ ਜਾਏਗਾ ਠੀਕ ਹੈ ਜਾਨਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਜਾਓ ਤੇ ਮੈਂ ਮੌਕਾ ਪਾ ਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਆਵਾਂ ਹਲਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਮੇਰੇ ਹਾਏ ਸਦਕੇ ਜਾਵਾਂ ਕਿਆ ਬਿਮਾਰ ਬੱਕਰੀ ਵਰਗਾ ਮੂੰਹ ਹੈ ਤੇਰਾ अपने जुर्मां दी कट्टण आया पुत्र असले मुशक्कर सानू अपने अपने घरे चाहिए बुढ़िया साडा काम भी तैनू करना पवेगा मैं नहीं कर सकदा बुढ़िया इत्थे रहिणा तां तैनू साडी गल मन्नणी पवेगी झूठे हो बदमाशो ਇਹ ਬੁੱਢਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ ਸਾਜੀਆ ਗੱਲ ਸੁਣੋਏ ਕਮਜ਼ੋਰਾਂ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰੀਦੀ ਆਪਣੇ ਜਿਹਾਂ ਨਾਲ ਮੱਥਾ ਲਾਈਦਾ ਓ ਖੁਦਾਈ ਫੌਜਦਾਰ ਬਣ ਕੇ ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਹਰ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਦੇਣਾ ਛੱਡ ਦੇ ਤਾਜਿਆ ਓਏ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰੋਗੇ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਬੋਲਾਂਗਾ ਓਏ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਤੈਨੂੰ ਬੋਲਣ ਜੋਗੇ ਨਹੀਂ ਛੱਡਾਂਗੇ पिछले जेलर दी रिपोर्टां भी उही कहंदियां ने कि तेरा रवैया जेल चो फेल तो बिल्कुल बरक्स है जिदी वजह तो तू इत्थे आया ते अज असीं अखां नाल भी देख लिया है कि सदाकत की खातर तू अपनी जान की परवाह भी नहीं करदा जेल साहब जुर्म करके बंदा इंसान तो जानवर बन जाता है ते फिर कदी कदी जानवर कोलो एहो जिहा जुर्म हो जाता है
के ओदे अंदर इंसान बनने की ख्वाहिश जाग पैंदी है। असी समझने ताजिया ते असी इस नतीजे ते भी पहुंचे हाँ कि तेरा इन्हां कैदियां दे विच रहना खतरे तो खाली नहीं। तू इस तरह कर, दिन के वक्त साडी कोठी चला जाया कर, इस तरह तेरी कैद के दिन भी पूरे हो जाएंगे ते तू इन्हां झगड़ियां तो भी बच जाएगा। जो हुक्म है माई बाप। हाँ हाँ मैं मर गया। क्यों है तेनु? बिजली लिशकारा मार के बदला में रुक जाती है। सोच रहे सानू अपनी लपेट कदों ले। गल्ला काट ते चलन की तैयारी ज्यादा बेहतर है जी। रब नजर ना लाई लगी ते दिया भर गई है, पर जिस रस्ते तू गई है तन्नू उधर जांदिया देख के एक कैदी बाबल भी टोल गई। मां मां रोनी की मैं मां आज तेरे सिर ते गैरता वाले पीव का साया होंदा या मेरी कुख ने गुआचण वाली धी की था पुत्र नु जन्म दिता होंदा ते तनु करो बाहर जाके तके खाने की लोड़ सी। अथरे पूछ दे मां जे तेरी कुख ने पहन दी इज्जत दा राखा पुत्र नहीं जमया ते फिर की होया? मैं भी ते तेरे पुत्र जी नहीं दूध पीता ना मां। आज तो तू मैनू अपनी धी बाली नहीं अपना पुत्र बाला समझ बाला। गली साफ नहीं कर सकते क्यों आए तेरे अब्बे दी है अब तू शाम नहीं जान मैं मलंगी डाकू का पुत्र हां और नाले अड्डा छाडा वैसे काम नहीं कर सकता। चलो ए फुट मैं काम जरूर करांगा। ओया साडा काम खोना चंगा उच्चा कल डिग्गी च बंद कर दियो और ते फेर मसाला मुकाबला करना पेगा। चलो तकड़ी पहलवान ला पुत्रा लाख मीत आमदान च मैं कमीज नहीं लावांगा। अच्छा जी ना अच्छा जी की गल पुत्र ना होने कोई चज का काम कर की काम करा जनाब की ना है तेरा जनाब बाला पेंडू मुंडे कपड़े पाने तो बाद मैं पुत्र नहीं आखोगे तो दुनिया किसा मनेगी। इस दुनिया लिए बताया ही बालिए मां दी नजरा किवें भुल जान मेरी ते तू शर्मा वाली धी है। सब कुछ मनिया मां जी पर हुण मैं ताड़ा पुत्र हां पुत्र ते खुशखबरी है लेके आया वहां कि कल साडे पुत्र दे अगे पिछे मोटरां ते कारां फिरन गियां। मोटरां ते कारां फिरन गियां? आहो मां जी मैनू एक पेट्रोल पंप ते पेट्रोल पान दी नौकरी मिल गई है। पुत्र बन के मां दे दुख मडाण वाली है तलवार नालो तेज ते वाल वांगो बरीक राह ते पैर च रखे डरनी है। मां जी इस दुनिया जून ले डर लाना ही पैंदा है जे डर ला दी ते सत्ते ही खैरा हो जांदियां ने। हला तीए जा
शाला मां दे सावी नाल नाल दुआ बन के रहनी मां जी धीए टपो जी अमीर मेरे जो गरीब बंदे को बेइज्जत करवा दे हां तू मैं रोकने वाला कौन मैं जरूर रोकूंगा बीबी जी मैं पूछनी हां तू मैं पाले मैं निगरान है या मेरा प्यू है ए जेल की कोठरी नहीं घर है जेथे रहने ते तहजीब सिख चल सलीम ए आइंदा से हरकत नहीं करेगा ओए पागला बड़िया लोगों दी गल्लां विच टांगड़ आउण ले तैनू किने कहा सी मेरी गैरत ने पता नहीं यार कितों दा माहौल है साडे देश की तो यह तहजीब नहीं इतों के प्यो तो यहोजिया तिया का गल कुट के मार देंगे ने ते आप फाए लग जाते ने ताजा की गल हुई है माफी देना जले साहब मैं कैदी बन के जेल के कैदे कानून ते समझ गया सा पर वड्डे घर के कैदे कानून मैं अजे तक नहीं जे समझ सकिया नाजो बीबी एक मुंडे नाल बाहर जा रही थी ते कड़ी दी कड़ी ओदी राज मैं क्यों बन के खलो गया सा तू ठीक कीता तेरी जगह ते मैं हुंदा ते इहो ही करदा नाज नु आ लैंदे मैं ओदे नाल आप गल करांगा की होया तेनु प्यार नहीं ए प्यार नहीं एहो ते प्यार है नाज तौबा तौबा तबा तबा किसे नाल प्यार नहीं ओ करना तबा तबा किसे नाल प्यार नहीं ओ करना अखियां लड़ाना बुरा दिलन गवाना बुरा लख कोई कवे इते प्यार नहीं ओ करना तबा तबा किसे नाल प्यार नहीं ओ करना अखियां लड़ाना बुरा दिलन गवाना बुरा लख कोई कवे इते जानदा प्यार कोई जान के नहीं करदा ठंड जई पैंदी जदों बां कोई फड़दा हो जानदा प्यार कोई जान के नहीं करदा ठंड जई पैंदी जदों बां कोई फड़दा मापियां दी लज कोलों वध कोई शह नहीं दिन आना तेरी अड़ी जानी टुटनी सानू तू सुनाने तू सा दिल ले अलट है एक दिन आना तेरी
बड़ी जानी टूटनी सानू तू सुनाने तुसा दिल ले अलते है जग विच कर दाए प्यार बदनाम होए जी बेगम सेवा चार गैलन चार गैलन छह गैलन छह गैलन थैंक यू फुल कर दे टैंकी फुल हो गई जे एक गैलन डिक्की च रख दे तुसी एक गैलन फेर ले जाना थोड़ी गड्डी अगे करो बाकी दे पैसे रहन दे मैं तो पेट्रोल फेर ले जाऊंगी भाभी वाह हे बेगम ते मैनू पान दी बेगम ही लगी है टैंकी फुल कर दे मुंह नाल गल करो जनाब किसे गरीब के हाथ चुकना चंगी गल नहीं होंगी बकवास ना कर ओए जे पता नहीं हो ते मेनू लोकी सीधा बोझ के लाते ने सारी जाति इस मुंडे की वजह ना हुई है इन्हें तो मैं अजे छुट्टी दे देंगा और जीतिया ले जा अपनी कस्तूरी नू इस तो बेहतर मैं आपसे काम कर लगा हाला फाड़ा दी दिहाड़ी से दो रुपया तू भी कर लें यार असी भी कर लें वही जो कमावे बंट के खा लेंगे हाँ जी ठीक है। जल्दी कर अच्छा उस्ताद
ਆਂਡੀ ਹੋਏ ਓਏ ਕੀ ਪਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕੀ ਹੋਇਆ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਓਏ ਓਏ ਤੇਰੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇ ਕਰੰਟ ਹੋਏ ਲੱਖੀ ਨੇ ਤੇ ਅੰਜ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਜਿਸਾ ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਪੱਠੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਘਰ ਚਲੇ ਗਏ ਉਸਤਾਦ ਇਹ ਤੇਰਾ ਵਹਿਮ ਹੈ ਉਸਤਾਦ ਓਏ ਵਹਿਮ ਤੇ ਆ ਪੁੱਤਰਾ ਮੈਂ ਤੇ ਅਰਥ ਹੋ ਚਲਿਆ ਥਾਂ ਮੈਂ ਕਿ ਉਸਤਾਦ ਇੱਕ ਕੱਲਾ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਓਏ ਬਾਲੇ ओए अभी तो दुख है मैनू मैं क्या उस्ताद जी ब्याह क्या निकला लंदा ब्याह ओए है की तीर मार दी तई साधो रिले के कह जे हाय ब्याह हाय शगना का जोड़ा जिन्हों बनाया मुद्दा गुजर गई ने पर अजे तक पान वाली कोई नहीं आई क्योंकि छड़िया नू ते मल्ले विच मकान किराए ते कोई नहीं दिंदा ते सानू धी दा साग कौन देगा मैं क्या उस्ताद जी तेरी टैक्सी च कुड़ियां ते बड़ियां बैंदियां ने उन्हां विचों कोई कुड़ी पसंद कर लैणी हुंदी ना ओए पागल खानिया जिहड़ी सवारी टैक्सी विच बैठ जाए ओह टैक्सी ड्राइवर दी इज्जत हो जांदी है अपनी इज्जत वाल तो कोई चोर भी मेरी अख नहीं वेखता उस चक्के पर यार एक कुड़ी वेखी सी किथे एक बदमाश उन्हें तंग पिया करता सी ते मैं उसकी इज्जत बचाई सी वो बिजली वांगर चमकी सी ते फिर पता नहीं किथे जा लुकी है मैं क्या उस्ताद तन चंगी लगी सी जिंदगी में चीजा तो कई चंगिया लगदिया ने पर मेरे वर्गा गरीब टैक्सी ड्राइवर कुछ तो उन्हें चंगिया चीजा तिकर अपर नहीं सकता कुछ चंगिया चीजा उसके तिकर नहीं अपर सकती छड यार इन्होंने गलों चुप करके सो जा इन्हों मैं अपने घर जावा मेरी मां देखती होनी तेरी मां भी है रे आहो उस्ताद बड़ा खुश नसीब है यार दुनिया में मां की ठंडी छान नसीब तेन जाओ चला जा पर वेखी यार कभी मां का कहना ना मोड़ी अच्छा उस्ताद मेरी चीची का छला माही ला लिया घर जाके शिकायत लावांगी हेलो की गल है अब्बा तू मेरे ते नहीं जा अब्बा आज नहीं मैं जाना आज मेरी सहेली ने आना है मैं उन्हें देखनी पड़ेगी ठीक है मैं इधर बाजार हूँ हिसाब ले आवा अच्छा तू सेन करो कि शालमी दरवाजे कट्ठा ही लाया वो इतने आली शीशी तो दूजे दिन मुक जाती है ठीक है इतों ना मिलिया साले भी चला जाता मैं तो कहनी अबे नु शालमी जाना पवे ते मैं अपने दिल भर जाने नाल रज के गल्ला कर लवा अरे दिल भर जाने हूं ना भी जा जा मैं तेरे नाल नहीं बोलती मेरा एक्सीडेंट करने का कोई इरादा नहीं सी गलती तो आड़ी है अरे हाय मुस्टंडिया वो तो मेरी गलती बना दे कान खोल के सुन ले ए गली जड़ी है ना कुड़ियां दे लंगल ले ये ठंडियां दे लंगल ले नहीं अरे फार मैंने चोक तेनू रब चुके ऐ शर्म आंदी है अरे वे तेनू मौत नहीं आंदी खेती कर उठर चोट ती नहीं आई अस्पताल ले चला हां हां बेटा मेरा हाथ कदे मुंदरी ना ला नहीं अस्पताल तू आप जा मेरे हिस्से टीका लवा ली मैं तेरी हमदर्दी जार तू अच्छे खानदान दा बस मैं इन दस दे बिलो का अब्बा कितने रहा है मैं हाँ बिलो का अब्बा हाँ मैं मार गई तुझे बिलो दे अब्बा जी हो आहो ते मैं समझी से बिलो का ट्रैक्टर चाचा जी मैंने माफ कर देना देखना बजाय जब मैं तुहाडे गोडे कितने कुर्ती मैं तुहाडे बड़िया फैजूल गल्ला कर दी मैंने माफ कर दे चाचा जी काके मैं तेनू पहचानिया नहीं चाचा जी मैं बिल्लू की सहेली हाँ पक्की अच्छा अच्छा बिल्लू तेरा इंतजार कर दिए जा बेटा जा अच्छा चाचा जी तुसी भी ध्यान ना जाना बत्तियां बार के मतलब किसी गटर ना जा पैना सलाम वालेकुम सलाम बिल्लू केली ओ किथे मर गई है केली खोजिया तू आ गए
तू आ गया तो कह मैं तो गढ़ थलो निकल के आया। मर गई मतलब? मेरा मतलब है तेरे वालदे बुजुर्ग वार मैंने बुए ते मिल पैसे वे तू मेरे अब्बे दी फिकर ना कर ओ शालमी दरवाजे हिसाब लेन गए हुए ने ओ ना होवे ओ लोहारी दरवाजे तो बाहर ताजे खगे ले के घर आ जे हेगा ते पेटू है ना वे तू मेरे अब्बे नु मजाक पे करना है जान मेरी दिल ते कर रहा तेरे अब्बे नु हलाल करा वे किसे कसाई दिया पुत्रा जे हुन तो ही तेरा ये हाल है तो खबर साडा एंड की होना है ओ बेड़ा कर को भी ओ तू एंड दी गल्ला ते करनी है अजे ते इंटरवल होना है उदू बाद कई लड़ाई झगड़े होने ने तेरे मेरी जुदाइया पैनिया ने तू बखरिया रोना मैं इधर रुल दे आना फिर तेरा ते मेरा मिलाप हो जाएगा ते दुनिया दी कोई ताक समझदार नहीं कर सकेगी। अरे तू तो तीन मिनटों के टेलर विच सारी फिल्म ही बखा दी। चलो हुण खैर नाल अखां खोल लो ये तुहाडा घर है कोई कैपिटल सिनेमा नहीं। बिल्लो चाचा जी पुठा टंगना खाल लाना ए वड कसाईयां लिया आदत जानते हो। चाचा मैं तेनू कहना कि जवान धी का प्यू बन के सोच रब का वास्ते ही बोझ अपने मोढ़िया तो ला दे नहीं तो तेरे मोढ़े खोचल हो जाएंगे और तेरा की जाना तू तो सारी उम्र परेड करते रहना उस गरीब की लग ओ, पार मत करो। चलो ठीक है तो फिर ब्याह की तैयारी शुरू करो। तेरा ब्याह बिल्लो नाल नहीं हो सकता। क्यों तुसा बिल्लो नू हीरवन बनाना जी चाचा हीरवन बन भी गई तो उन्होंने प्यार से ब्याह जरूर करना पड़ेगा। गल सुनो मैं लखपति बनने का ख्वाब देखा है बिल्लू का ब्याह ओदे नाल होएगा जड़ा लखपति होएगा। तू चाचा लखपति कहना मैं इंज लगता है कि ओदा ब्याह चाह दी पति नाल नहीं होना। बकवास बंद करो। अच्छा ये मतलब यह होया कि तुसी अपनी धी ले पति नहीं लखपति चाहते हो तो फिर जेड़ा लखपति मैं लैके आवांगा उन्होंने अपनी धी का ब्याह कर दियो। जरूर करांगा। अच्छा फिर मैंने इजाजत दे मैं जाके हाले लखपति का अरेंजमेंट करना है। लखपति बाले ओए बाले और किथे मर गए? मेरे दुश्मन सार की गल है। और यार मैं जरा गड्डी का टोक लैन जा रहा ते जा फिर आएगा कदों? ओए हो सकता है मैनू देर लग जाए ते वेखी घर का ध्यान करी किधर बाहर फ्रंट ना निकल जाई। ओए सार हुण ऐसा किथे जाना है तू जा। ओए बढ़िया गल्लां आंदियां ने तैनू। Thank you.
सची मुची दे वोटी जियो नहीं बोलना बड़े शर्माकल लगते हो ऐस तो पहला कि ताते जानवर के मुखड़े तो ऐस कुंड दी बदली लावा ऐ दसो ताटा ना की है जे आई गए हो ते अन्ने तोड़े ना कराओ सोना मुखड़ा बखाओ ते साटे सीने ली ठंडा पाओ ना ना हाय ना ना मैनू पता वे सोनिया दी ना ना विच भी हाँ ही होती है आहूई अल्ला ओए मैं तुम टांग मार देता वे मेको जी मैनू हाथ ना ला रहा मैं किसी दी अमानत हाँ अमानत किसी अमानत अपने सचिन प्यारे दी ओए कौन है तेरा सचिन प्यारा बाला जी बाला जी ओए कुड़िये तेरी अकल तेरी मारी गई और डड्डू दे मुंह वाले दी करी शक्ल वेखी आ सारा दिन मेरे को ठापा खांदा रहंदा वे तू कहनी है बाला जी देखो जी मेरे सामने उन्हें कुछ ना आखो हाय कुछ ना आखो पर मैनू ऐ ते दस ओए तू ओदी वाकिफ कदों दी है कुछ दिन होए ने हस के तकिया सने घर बार भुला दिता सने अच्छा ऐ ता मतलब है आया कि उस चिड़ी दे बोट ने उठना सिख लिया वे ते जा दफा होया तू ते जा के उस निमक राम नु लब हाय हाय तुसी ते नाराज ही हो गए हो मैं अपने दिल दे जान में जिथे भी होएगा लब लांगी अच्छा फिर सलाम अलैकुम वालेकुम ओए वाले ओए सारी जिंदगी हो गई है सानू छड़े छांट गुजारते हैं ओए जालमा तू तिना दिना विच की काम बखाया तंदूर से रोटी खान गया सै और जेड़े तंदूर से तू कुलचे लाने शुरू कर दिते ने ना और मैनू सब पता लग गया पता लग गया ओए ओए एक कुंड वाली आई सी कुंड वाली ओए आहो मैं समझा हरे मेरे वास्ते आइए पर वो खाना टुंग कह लगी जब मैं तो बाले नहीं मानता फिर उस्ताद ओए शुक्रिया ओए उन्हें कार बुला के सानू हलाल कर देते ते तू कहना फिर उस्ताद और बाले ओए इत्थे कुड़ियां नू बुलाना छड़ दे नहीं तो याद रख असी भी छड़े सांटा ਐਵੇਂ ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਫਸਾਦ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਉਸਤਾਦ ਯਕੀਨ ਮੰਨ ਮੇਰਾ ਕਿਸੇ ਕੋਈ ਨਾਲ ਵੀ ਕੋਈ ਵਾਸਤਾ ਨਹੀਂ ਓਏ ਓਏ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਕੌਣ ਸੀ ਓਏ ਕੌਣ ਸੀ ਉਸਤਾਦ
तू मर्द सै ला के देख लें और सुरख जोड़ा बाले जब तक इन्हों कन्नों में घुंघरुआ की आवाज नहीं पैंती यह तबीयत नहीं ठीक हो सकती चला चलिए मतलब मतलब अगे तो लग तेन मतलब का पता भी लग जाएगा चल बिस्मिल्ला बिस्मिल्ला जी आया ना बैठो उस्ताद वे उस्ताद भारी चलो मगे तेरे ठंडे ले तो मार दे भाई जी को नौकरी रख लो कि सानू लमका लमका के मारना उठ रहे हो तो मेहमान आए नहीं और बैठ रहो उस्ताद जी बैठ रहो मैं क्या बाले यार जे असा ठंडा ही पीना हो तो सानू इन्हें बादशाह दादे को लाने की लोड़ है तड़ी होती बड़ी प्यासी ने मुखड़ा चन वर्गा मैं क्या मोठी प्यासे ने ते रूह दे मुतलक की ख्याल है मेरा मतलब है की मैं क्या भाई जी कोई ऐसी शह सुनाओ सारी जिंदगी ऐसे ही बैठा रहा उस्ताद मैं क्या चीज ते मैं तुम सुनावगा ओए की खुसरिया वाले एक्शन शुरू कर दिते नहीं उस्ताद तू एक बार इजाजत दे के देख ईमान नाल जे बाई बाई है ना तो फिर असी तही हां ओए बाले कंजरी दे कोठे ते आके बड़ा तेनू कंट लगा है बच्चू रात ही हो गया पर कोठा कंजरी का इजाजत मेरे को किस हिसाब मांग रहे हैं चलो जी ए कहते नहीं तो इन्होंने ही अपना चा पूरा कर ही लैन दे क्या उस्ताद नच मिया क्या तेरा स्टार वर्गा मुंह है उठो भाई जी मैं अपने कपड़े दो लाख हजार कपड़े ना ना भाई जी मैं बुजुर्ग कपड़े नहीं चाहिए इन्होंने कलो चलो मैं तेन कपड़े देनी हाँ चलो जी बाले खाना खराबा और कितने मरवा ना दें मैनू तो ये पेज कुछ ढिले लगते ने लोग बह गए तुम उन्होंने की लगते हो मेरा उस्ताद है घर से तुम वे ही लिया कभी उन्हें तू वखरिया होने का भी हौसला कर लेना ओए बाले ओए बार आ की बाई ना चमकी ला रहा है सार मैं तो कोई चमकी नहीं ला रहा बस आया हीरिए तेरे कपड़े कितने ने मेरे रांझना तेरे लिए तो सब कुछ हाजिर है मैनू तो सिर्फ कपड़िया का एक जोड़ा चाहिए बड़ा तंग आया भाई मैं मुंडे को मेरी हीरिए तू ये तकलीफ ना कर मैं आप ही कर लांगा तू जरा जाके मेरे साथ ही खबर ले जा शाबाश जा शाबाश जा जा दिल लेंगे शहरी बाबू दिल लेंगे शहरी बाबू
भाई तू इस नवे मशूक नु दसिया नहीं साडा नाम की है जड़ी कंजरी साढ़े लख पट के ना तके उरे घर भी जंदरे लग जाते हैं पा जंदर हां छट नहीं पा और जीत्या ये टैक्सी स्टैंड नहीं ये कंजरी का कोठा है अच्छा तो जनाब कंजरी तो मामे ने मामा लगता होगा तू इतने जिद खीसे च माल हो कंजरी की बांह फड़ सकता और लाला टोपी ए कंजरी नहीं जा जाए किसी कंजरी की बांह फड़ अच्छा ये कंजरी नहीं लो मैं अज पता लगा जी मैं समझता था तू टैक्सी चलाना है पर अज सही पता लगा कि तू ए मिलके टैक्सियां चलाना बोले की लाने जा बलो घर जाके कम कर एवं बोसकी की कमीज फट जाएगी सानू की बोसकिया के ड्रावर दे साडा अपना ना चीता बोसकी समझे वैसे का बयाना लैने बयाना आहो मैं चंद्रे लो आ गया कंजरा दे बदमाशा जे तेरे इतने कोई टैका बनया होया तो बनया रहन दे क्यों मेरे इथों जलील होनी झूठे बदमाश बाहर निकलो टैक्सी क्यों रोक ली उस्ताद जरा टोपी लेना बालिए मेरा नाम बल है उस्ताद मैं तेनू पछाण लिया हूं दस है धोखा क्यों दिता मुंडा होने का भुलेखा पाके तेन हाथ लाया सी ते तरफ गया से जी कुड़ी बन के रही ते अपनी इज्जत की हिफाजत किस तरह कर सकती साड़ी शराफत का वसा नहीं खादा बालिए कुड़ी बन के मिलती तो साफ कुर्बान हो जाना सी तेरी इज्जत तरफ नहीं सी आन देना पुत्र बन के गई सर ते रात दे हनेरे विच धी बन के एक बंदे नु नाल लेके आ गई है दूजी वेरी मां कहन तो पहला ए दस नी आन वाला साह मैं गैरतमंद बन के लवा के शर्मा लती धी नु जन्म देन दी सजा समझ के लवा मां अपने लहू नु शक दी नजर ना ला मैं इना पैरां ते खलोती हुई भी तेरी इज्जत वांगू पाका ते मुंडे कुड़ी मनु इस दौरा भर ने बना दिता है ते एदा जवाब एदे कोलो पुछ ले वेस घर की पहली वेरी दलीज टप्पण वाली एक गरीबड़ी की इज्जत नु लुकाण वाली भुलेखिया की कंध टा के किन्ना कु सवाब कमाई ऐ कुछ मां जी शक्ल देख के अखां नु किन्नी कु ठंड पई वे किसे अपने वर्गिया बगानिया अज दे जमाने ते अपने जम्मे भी मावां नु मां नहीं समझते तेरा ते हाली ना भी नहीं पुछया वे तू किधरे बसा के डंग ते नहीं मारेगा खुदा तू मुनकरो बदनसीब होंदे ने जिन्हों खुदा लभ पैंदा है मैं ते हाली उस खुदा नू लभदा फिरना जिहड़ा धरती दे मां दे रूप विच वसदा है मैनू शक्की नजरां नाल ना वेख इस्ता मारीए मेरा नां जीत है ते बाली मेरे कोल मुंडा बन के रहिंदी सी ते मैं उहनूं मुंडा ही समझदा रहा अज बाली ने मुंडियों कुड़ी बन के मेरियां अखां खोल दित्तियां ने जदों उहनूं पछाणिया ते उह कुड़ी नजर आई जिहड़ी इज्जत दी राह विच साबत कदम रहना चाहुंदी है मां जे मैनूं मां कह ही दित्ता ही फिर इस घर की इज्जत तेरिया बाहों घर दिया कंधा का रुतबा दे मां मैं इस रुतबे का मान नहीं टुटन दिया बीबी जी डेरा साहब किधर सरकारी काम से गए और अभी पेरन ना लाएंगे बीबी जी ए फिरोज से टंडिया मैनू जेलर साहब सजाने वास्ते दे गए सन अज तुहाडी सालगिरह ना तैनू की लेके मैं सालगिरह कर लूंगी एदा इंतजाम मैं करा दित्ती है क्लब विच क्यों क्लब दा सुन के तैनू तकलीफ हुई है नहीं नहीं तकलीफ नहीं हुई मैं कुछ अर्ज करा बीबी जी ओके तीर बन के एक बारी मेरे मुंह ते थप्पड़ होर मार लो पर सालगिरह अपने घर ही मनाओ बीबी जी इसलिए कि तिया अपने मापिया के घर ही खुशियां मनांदियां चंगियां लगदियां ने एक मुजरम होके मेरे चंगे ते बुरे की तमीज सिखाना है जे तैनू चंगे ते बुरे की तमीज होंदी तेरे मथे ते कैदी होंदी तो मत कभी ना बीबी जी तू सिर्फ जुर्म करन दे रस्ते लभिया कर ते ऐ सोचा कर अगली बारी जेल किस तरह आना है जिंदगी की है ते जिंदा रहन दे आदाब की ने एक गल्ला तेरी समझ तो बाहर ने आइंदा मैनू मशवरा देन तो पहला इन्हां सोच ले
तू ही कैदी मेरा बाबा नहीं मैं अपनी मर्जी की आप मालिक हाँ तो मेरे कमरे में मेरा डैडी भी दखल नहीं दे सकता तो ठीक आख्या बीबी मेरी ये कोई सजा है हर तीन मैनू कैदी समझ के मेरे को नफरत करे मेरे मत्थे ते लगी जुर्म की तोहमत कोई नहीं मिटा सकता मैं अपनी खुशी लिए किसे धी का घर नहीं सजा सकता मैं किसे धी का बाबल नहीं मैं एक मुजरम हाँ मैं कैदी हूँ मैं कैदी हूँ मैं कैदी हूँ मैं कैदी हूँ कैदी हूँ बिल्लो एडी उदास क्यों खलोती है किधरे प्यू ते नहीं फौत हो गया माहौल का वेला नहीं हो रहा अड़िया तू मेरे प्यू नाल कीता होया वादा तोड़ दे मैं किसे लखपति नाल विआह नहीं करना ते फिर अकबरी मंडियों कोई पांडी लाए हम माहौल छड़ पहुंचिया ते फिर तू भी कान खोल के सुन ले बिल्लो तेरा विआह किसे लखपति नाल नहीं इस कख पति नाल होवेगा ते कख नहीं रहन देंगे तेरे प्यू का ए तो ठीक है पर मेरे अब्बे ने नहीं मनना मैं उन्हें मनाना चाहता भी नहीं इस गले के व्याह में तेरे ना करना है तेरे प्यो नाल नहीं एलफर पेड़े खा अड़िया मैं पेड़े नहीं हूँ खाने क्यों तू मौरा खाना है लड़ना क्यों है बाबा खा लेने एलफर तू भी खा बिस्मिल्ला बाकी प्यो नहीं रहन दे ओए, तो फिर आ गया मेरी कुड़ी का दिमाग खराब करन चाचा जी दिमाग खराब करन नहीं मैं तेन आबाद करना आया जे हाँ आबाद करन चिट्टी तो सोए इन की पट्टी पढ़ा रहा सा चाचा जी मैं पट्टी नहीं पढ़ा रहा सा मठियाई खवा रहा सा ते नाले ए समझा रहा सा कि तू एक लख पति की जौजा बनना ली है तेरे गुफ्तगू दे विच नवे नोटां दी खुशबू होनी चाहिए है तेरा रहन सहन रंग टंग इस किस्म दा होना चाहिए कि तू किसी कंगाल प्यो दी धी ना लगे ओए पर लखपति किथे चाचा जी तुहाडे सामने मेरे सामने तो तू है ते मैंने भी ओ ही समझो इस गल्ले कि मैं उधरों आया मैं उन्होंने व्याह की गल की थी तो उन्होंने मुंह चुराल टपक पई सी फिर मैं उन्होंने मुंह साफ करके ते बिब बांध दित्ती सी वैसे चाचा जी काके दी उम्र 80 साल है नजर घट आंदा है पुराना दमा है वारी का ताप भी चढ़ता है किसी वेले मिर्गी का दौरा भी पैंदा है वैसे उन्हें मैंने ये यकीन दवाया है कि मरण तो पहले अपनी सारी जायदाद बिल्लो दे ना करा देगा लखपति होए पाओ आखिरी दमाते होए मैनू मंजूर है अच्छा फिर चाचा जी व्याह की तारीख दस दौ तो नाले बहुता रौला नहीं पाना इस गले मलक होरी अपना यह विआह अपनी जवान औलाद को चोरी छुपे कर रहे हैं ठीक है अगले महीने की 10 तारीख नू जंग ले आना मैं अपनी कुड़ी के कपड़े भी बना लांगा मैं कहने जी खुल खिला के बनाना इस गले की तुम्हारी सारी रकम तुम्हें वापस मिल जाएगी लो फिर वैसे मैं जिस दिन मौका मिलेगा ना मैं तुम्हें मुंडा भी विखा देंगा हाँ ठीक है तू फिक्र ना कर पुत्र लो फिर तुम्हारा दमाद मुबारक हो खैर मुबारक मैंने याद आ गया चाचा जी ये मठियाई मैं मुंडिया लो लिया दो सेरे वैसे तो आधा तो कुछ नहीं बनना वैसे मुंह मीठा कर लो हेलो अख्तर स्पीकिंग हेलो अख्तर मैं सलीम बोल रहा की गल है एकदम अम्मी जान की तबीयत खराब हो गई है अम्मी तबीयत खराब है इसलिए शायद मैं नाज की सालगिरह भी शरीक ना हो सका तो यार तू पार्टी भी किसी किस्म की कमी ना होती यार अगर तू ना आया तो नाज में जरा मायूसी जी होगी खैर तू कोई फिक्र ना कर मैं नाज की बर्थडे पार्टी ऐसी अरेंज करा क्या मजा ही आ जाएगा थैंक यू मेहमान आ चुका केक काटो ना अभी सब कहाँ आए हैं मैडम जो टाइम पर नहीं आया हम उसका वेट नहीं करेगा नहीं मैडम वेट करना होगा ओ नो बेबी ये एटिकेट के खिलाफ है मेहमान वेट करे हम बर्दाश्त नहीं करेगा कम ऑन चलो केक काटो आओ शाबाश काटो केक काटो बेबी ओ बेबी लो केक खाओ नो मैडम ओ डोंट बी सिली तुम एक फुलिश के लिए एटिकेट छोड़ता है
ये तुम्हारा सालगिरह का केक तुमको खाना होगा। माय स्वीट हार्ट, अपना मैडम का बात नहीं मानेगा। ओ मैडम मजबूर ना करो, मेरा जी अच्छा नहीं। व्हाट? ओ गॉड, मेरा बेबी का तबीयत ठीक नहीं। बहरा, ओ बहरा। जी मेरे साथ। देखो बहरा, हमारा बेबी के लिए एक कोको कोला लाओ, जल्दी करो, और सुनो बिल्कुल ठंडा वाला, ठंडा। ओ गॉड, मेरा बेबी को सबर दो। उमर, ये सब आज दी रात सुनहरी मौका नाल लेके आइए। शराब दे दो पैगुनू, इथे रहने मजबूर कर देंगे। तसलीम, ओदे आने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। लो माय डियर, ये पी लो, तुम्हें एकदम ओके हो जाएगा। ओ मैडम, मैडम के ग्रेहर का ख्याल नहीं करेगा बेबी। पी लो माय स्वीट हार्ट, डियर मेरा अच्छा वाला बेबी, अच्छा वाला। What happened बेबी? मेरा सीना जल रहा है मैडम। What? मैडम सोनिया, किसी के इंतजार में पानी भी पिया जाए तो सीना जल उठता है। ओह यस मैम, तुम ठीक बोला। बेबी का उम्र में दिल बहुत जल टूट जाता है। बेबी माय हार्ट, मेहमान सब इंतजार करता है, सालगिरह की खुशी में थोड़ा डांस कर दो। ओह नो मैडम, एक मतलब बोला, हमारा तबीयत ठीक नहीं। तो बाबा ये पी लो ना, इसके पीने से तुम्हारा तबीयत बिल्कुल ठीक हो जाएगा। बेबी प्लीज डार्लिंग, प्लीज माय स्वीट, माय स्वीट। गुड डांस, 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 डांस। अपनी सालगिरह की खुशी च मिस नाज डांस डांस डांस। नाज, जिस वेले तू डांस करनी है तो मैं इंज लगता है जिवें तेरे पैर हेट जमीन ने, मेरा दिल ही करता है तेनू सिर्फ मैं वेखा, होर कोई ना वेखे। मिस नाज, सालगिरह की खुशी में डांस होना चाहिए।
प्यार दी दावत तुसा दिती सी ओ बदनसीब है आया नहीं आओ तुहाडे प्यार दा मुल असी पा ले मैन क्या करता पड़ा है चले मुझे बेबी ओ बेबी हेल्प लेडीज का हेल्प नो हेल्प हम किसको बुलाएगा हम पुलिस को बुलाएगा पुलिस को मैन हम पुलिस को बुलाएगा मैं छोड़ दे एक ही बकवास है ए ठीक है कि क्लब खाण पीण की इजाजत है पर किसी की इज्जत नाल खेड़ने किसी ने इजाजत नहीं मैं अफसोस यार मैं अंदर काम च मसरूस हाँ वरना ना तो किसी अख चुकन की हिम्मत ना आती ए जो कुछ भी होया तेरे ना आने की वजह तो होया पर फिर भी मैं माफ कर दे सॉरी अख्तर तेरी क्लब हंगामा होया पर सिवा कोई चारा भी नहीं मैं हंगामे का कोई अफसोस नहीं खुशी इस गल की है कि तेरी इज्जत कोई अर्थ नहीं होया प्लीज जरा नाज नूं काटा छड़ दे अख्तर तेरी ये उल्टी चाल का मतलब की है यार जन जर जमीन तक कब्जा करन ले कोई ना कोई उल्टी चाल चलनी पैंदी है पर जड़ियां हड्डियां असां सुकवाईयां ने उन्हां दा की मतलब यार इहदी मैं तुहाडे कोलों माफी मंगना वा इस वास्ते कि जे मैं ये चाल ना चलदा तो सलीम नूं मेरी नीयत ते शक हो जाणा सी ये मैं सूट नहीं करता चला अंदर बारी तेरी हड्डियां की सिकाई करिए चल यार कसूर तेरा नहीं नाज मेरे वांग तियां नूं क्लबा में जान की इजाजत देने वाले तियों दी इज्जत ऐसे हाल च घर वापस आदियां ने कि जालम निकली नाज मैं ते ती समझ के तेरे लाड़ देखता रहा ते तू आजादी की तस्वीर बन के मैनू सजा च दी है तू एक की कीता है नाज तू एक की कीता है होश च आ गई है जी राती तेनू जिस सालत देखे मेरी मौत वास्ते तेरा उस सालत कार आना ही काफी सी पर मां प्यो बनन दी एक सजा यह भी है कि मां प्यो औलाद का हर ऐप देख के भी मर न सकन जीव दे रहन ऐसा फार अपने नवे शौक नवे शौक का खर्चा शराब पीन वाले रात में पी के सौंदे ने ते सवेरे आंख खुल गई उन्होंने सब तो पहला ख्याल आंदा है कि रात में कितों आएगी डैडी कह के मैं फिर पलेखा पाने की कोशिश न कर कुड़िए चौदह साल तक तेनू पालद्या मैं तेनू अपनी धी समझ लग पा सा मगर तू एक दिन भी मैं प्यो समझ के मेरी इज्जत का ख्याल ना किया नहीं जे मेरा खून हूँ तो ते इस वे तेरे शौक ले नजराना नहीं तेरी लाश ले कफन लैके आता मेरे मां प्यो कौन ने ते कितने ने एक बदनसीब प्यो बन के तेनू निकी जी बीमार नू लैके मेरे नाल अस्पताल आया सी ते फिर तेरी मां नू लैके आउन दा वादा करके गया ते आज तक मुड़के नहीं आया मेरा प्यो मैनू छड़ के चला गया मैं इहनां दी धी नहीं मेरा कोई नहीं मेरा कोई नहीं मेरा कोई नहीं Thank you.
लिए तू नवा पेस बटा के कितने जा रही है? नवा पेस कौन है तू? काली ऐनक ला के अखा की बेहयाई से लुका लिया, पर आप मेरे को नहीं लुक सकी। बकवास ना कर इडियट, तेनू भुलेखा पे है, मैं बाली नहीं। तेरे हर नवे रूप का नवा ना हो सकता है, पर मेरा एक कोई ना है जीदा टैक्सी वाला, जड़ी सवारी वाली मेरे अगू लंघ भी जावे मैं उन्होंने नहीं पूछता। तू पागल तो नहीं? पागल होता तो तेरी चोरी कभी ना पकड़ता। अजीब जानवर है। बहुत ही गलत ना कर बालिए, मेरा ना रहा। की गल है नाज? सलीम मैं तेरे वाल आ रही था, एक कमीना मेरे नाल बाली रख के मैं केर खलोता है। क्यों भाई, तू इन की समझे? ओए बहू मैं उन्होंने कुछ समझा जो तू हाले तिकर नहीं समझ सकिया। बकवास बंद कर, चल नाज। नहीं बहू, बाली तेरे नाल नाज रूप विच नहीं जाएगी। ओए किस तरह नहीं जाएगी? चलो मुंडिया मनसरा अस्पताल ते छड़। मकर दा रिश्ता तोड़ दे माई, हुण ना तू मैनू पुत्र आखी ते ना मैं तेनू मां समझांगा। वे आप ही मां आखिया सी ते आप ही पुत्र कहने रोकण आ गया। वे दस तैनू ये रिश्ता तोड़न ते मजबूर किन्ने कीता? मैनू किसे मजबूर नहीं कीता, मेरी अखां ने तेरी धी दा असली रूप वेख लिया। जीदिया केड़े रूप दी गल पिया करना है? परूपणे पहला मुंडे दा रूप बटा के मेरा सुकून लुटे ते अज कुड़ी बन के घरों निकली ते मैनू अखां बहा के कमीर मुंडे नाल टुट गई। नहीं जीदिया, मैं ते घरों बाहर ही नहीं निकली, रब दी सौ जिन्हें इल्जाम लाए ने सारे झूठे ने। तुसी सोने रूप का मुल वटन वालिया झूठियां कसमा खा के अपने आपा ते पाक बाजी का पर्दा ना पाओ, ते ताड़ा तोखा कौन खाए, ते ताड़े कारोबार दी उम्र किस तरह लंबी होवे। कुछ होर कहन तो पहले तलीजा बाहर निकल जावे मुंडिया। वे अखा वालिया अखा दवनिया मेरी धी ते इल्जाम लाने तो पहला इस घर की हालत एक नजर जरूर मार लें दो। वे जिन्हां दी इज्जत विक जाती है ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਹਾਲਤ ਜ਼ਰੂਰ ਬਦਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਵੇ ਭੁੱਖੇ ਉਹ ਹੀ ਮਰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਗੈਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਇਹ ਮਸਾਲਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਸੁਣਾ ਮਾਈ, ਮੈਂ ਜਿਹਨੂੰ ਇਸ ਤਾਂ ਵਾਲੀ ਮਾਂ ਸਮਝਿਆ ਸੀ ਉਹ ਮਾਂ ਨੇ ਧੀ ਦੀ ਵਪਾਰੀ ਨਿਕਲੀ ਹੈ। ਮੁੰਡਿਆ ਇਹ ਚਪੇੜ ਮੈਨੂੰ ਪੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ, इस लई के मैं इस घर नू कर समझन लग्या कुछ प्रतीत नहीं सी कीती, पर जान तू पहले इन्ना जरूर सुन ले माई, तैनू अपनी धी लई सुहाग दा जोड़ा नहीं चाहिदा। अपनी इज्जत नू दफनान लई हर रात नोटां दा नवा कफन चाहिदा। ये ठीक है नास, जेल साहब तेरे असली बाप ने, पर तैनू इस तरह काल छड़ के आ नहीं चाहिदा। किसी ने बदला लेने नहीं मेरे को ऐसी गलती कराती है जिदे बाद मेरा मुंह बखाने भी काबिल नहीं रहे। मैं हम कली रह गई हूं सलीम, तू मैनू इना दस मैनू अपना के अपने घर ले जा सकेगा कि नहीं? नास मैं तेन प्यार करना, पर तेन घर ले जाने वास्ते अम्मी जान को इजाजत लेनी जरूरी है। नहीं सलीम नहीं, घबरा नहीं पैना, तू गैरा च नहीं अपने च बैठी है। अख्तर मेरा जिगरी आ रहे ये तेरा पूरा पूरा ख्याल रखेगा। ठीक है सलीम, मैं इन्हें रहने वास्ते एक अलग कमरा ठीक करा लेना। हाँ हाँ फिक्र ना कर। ताजिया मैं खुशी हुई है कि जेल तेनों एक मुकम्मल इंसान बना के रुखसत कर रही है। ऐ दस आइंदा जिंदगी के मुतालिक तेरा की प्रोग्राम है? प्रोग्राम एक धी ते उहदी मां नूं छड्ड के आया सां, ते हुण उहनां नूं मिल के अपनी गुआची हुई धी नूं लभांगा जेलर साहब। अल्लाह करे तेरी धी मिल जाए, मिल गई तो मैं इतला जरूर करी। अच्छा जेलर साहब, तुसी जिस वेले कार जाओ ते अपनी नाजो धी नूं मेरियां सदरां दा प्यार जरूर देना। ताजिया नाजो दे इतने सख्त रवैये दे बावजूद तू उन्हें माफ कर देता है,
वाकई तेरे सीने से कसीन बाप का दिल है। पता नहीं क्यों जेला सा जदों भी वो मेरे सामने आउंदी सी ते मैनू इंज लगदा सी जिवें वो मेरी अपनी थी अपनी थी। अच्छा जेला सा खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। जे जान वाला तेरे खाबां ते ख्यालां विच वसी गया ते फिर तू मां दे रोकिया भी नहीं रुकना। रात दे हनेरे च जाके तू ओदा मन ते साफ कर लेंगी पर दुनिया दी नजरां दी काल किस तरह तोवेंगी। अखां विच रात कट लैंदी है दिन दे चानण विच जाके उस बेत बारे नूं मना ले। जट मंगनी पट दिया फीस नाम दर्ज कराई 5 रुपए डबल रेट का 24 घंटे में शादी कराई जाती फौजा फिरार।
चाचा जी खुदा का वास्ते जी इतने सीटी ना बजाओ आ कोर्स स्कूल बच्चों का वो ना हो बिसल की आवाज सुन के सारे बच्चे क्लास में निकल के ड्रिल करनी शुरू कर दे मेरे यही दस वो लखपतू मचीते ओ याद आ गए चाचा जी वाह वाह तुम तो बड़े टाइम से आए बस वो भी आते ही हो गए रब्बा लखपति नू भेज दे बाबा जी सलाम अलैकुम नमस्कार मैं बाबा जी कह दे मेरा थोड़े दिनों जिक्र गया है आप फौजा कितने गया है फौजिया लखपति मुंडा लभण लखपति वो कल ले मेरी कुड़ी नाल ओदा ब्याह करान वास्ते लखपति मैं ही जी सलाम अलैकुम बाबा जी वालेकुम सलाम चंगा पुत्र जोंदा रहो अल्लाह का बड़ा एहसान है अब्बा जी रब ने बड़ा कुछ दिता जमीना मुरब्बे जेवरात हवेलियां पर मैं तो यह सोच लिया मैं सारिया छावा अपनी होने वाली बीवी ना ला देनी मैं तो यह दसो तुम्हें रिश्ता मंजूर है मंजूर है तो बस दसो मैं किस दिन जज लैके आ जा जाऊं तो मर्जी जंज ले आवा बस ठीक मैं ले आवा जंज मैंने हूं इजाजत दो हूं मैं जाके जेवरात बनाने ने मेहंदी कट्ठी करनी है लोगों सदे देने ने वाजिया कहना है हूं मैं इजाजत दे चंगा पुत्र सलाम अलैकुम इजाजत वालेकुम सलाम लखपति मैं चाचा जी एडी गहरी नींद मैं मेरे पिछले चरस की वारी देने से ला रही चाचा जी मैंने समझ नहीं आ रही ना वो मैंने घर मिले ने ना इतने ही आए ने पता नहीं कितने चले गए आसन गलबात पक्की करके चले भी गए पुत्र तेनों मुबारक होए वो जी मुबारक चाहे जी तुहानू होवे तुसी एडे खुश नसीब जिन्हें एडा चंगा वार लाते अच्छा पुत्र हूं मैं चलना अच्छा जी इजाजत ओके रोंदा करोड़पति नू वो जे कुड़िया सारिया करोड़ा पतिया ना व्याहिया जाए तो साढ़े जे फाकन तो कोई पूछे ही ना लैती है पीऊ तकर खाली करके जा रही है हुन इनो शोहर ते माल नाल परना तेरा फर्ज है अब्बा जी तुसे मेरा हाथ ओदे हाथ च फड़ा दिता है जिन्हें अज नहीं ते कल मर जाना है तुहाडा घर ते आप ही भरिया जाएगा फिर मैनू की कहना ठीक है पुत्र ठीक है अब्बा जी अब्बा जी हुने नु तोरन वाली गल करो असा अज जाके मरी दी बस भी फड़नी ते रब दा वास्ता जे सीधी ना बजाना मत साडे अपड़न तो पहले बस निकल जाए मेरी ते खैर मेरी जौजा बहुता नहीं टोर सकदी बेटे मेरी ती बड़ी लाडली है ते करते हुकूमत करन दा इन्नू बड़ा शौक है जेन हुकूमत दा शौक सी ते एदा रिश्ता किसी मुगलिया खानदान च कर देना सी मेरी जवानी क्यों खराब करन लगे हो मतलब ये तू अपने घर दी सरदारी एदी सपोर्ट कर दे या अब्बा जी करनू ते मैं तुहानू ही सपोर्ट दे खाब कर सकना की मतलब मतलब है जी हुण मेरी हर शय तुहाडी है जो मर्जी पे करना अब्बा जी अब्बा जी है हूं तुसी मेरे अब्बा जी बन गए हो आहो ते तुहाडे कोलों कोई गल लुकाना हुण मेरे ते बांधा नहीं की मतलब मतलब है मैं तुहाडे ते अपनी असलियत जाहर करनी चाहना ते अब्बा जी असलियत आ जे ओए नामा नीमा तू अदब नाल गल करो अब्बा जी हुण मैं तुहाडा दामाद बन चुका ए नहीं हो सकता नकाह हो चुका है तू मेरे नाल सासू भी कीती है विआह तेरे नाल नहीं होया ते होर नथू सिर पाटे नाल हो कान खोल के सुन लो सावरा जी बिल्लो हुन मेरी बीवी है ते जेड़े हाथ मेरी बीवी पर बदन गए मैं उन हाथ आणू अपने बुजुर्गों के हाथ समझ के चुम लांगा
चला बिलो चलिए असी कि व्यापारियों के बस पै गए साल गलती सुन जा जीदिया जीदिया जी बेहतर की खबर है ये मालक ए होए के नाज का कोई पता नहीं लगा मां बन के कमली धी दे लाड वेखता रहा पहली बारी प्यो बन के नसीहत की 14 वरिया का प्यार भुला के घर छड़ के चली गई है इन्ना नहीं सी सोचा कि मापे तो गुस्से होके भी प्यार दे हथों मजबूर होंगे ने जे मैनू पता होंदा कि उन्हें घर छड़ जाना है तो ड्यूटी तो छुट्टी लैके एक रात भी घरों बाहर ना रहा हेलो जी मैं बोल रहा जी मैं हाजिर होया चलिए मालक हस्पताल नाज का एक्सीडेंट हो गया तेरिया अखां विच ती दे अथरू दे के तेरे कोलों विछड़िया सा ते ओ अथरू 14 वरिया बाद नहीं सुके जेलो बाहर निकल के एक मासूम ती दा सौदा करन वालिया जेल सजा काट के बाहर आई गए ते ए दस मुल वटन वास्ते दूजी जवान ती मिली या के नहीं खैर दी गल मुंह चो कट जंदे मैं ते जदों भी खैर की दवा मंगी है ओदे ते तेरा परछावा पै जांदा पहला शक्ल विखाई सही ते एक जख्म लगा सी दूजी वारी सामने आया ते मेरा कलेजा चीर के देख ले दूजा पट ओदे कोलों भी डूंगा लगा ही हुण ते मैनू दूजी भी नजर नहीं आती अज मैनू जवान थी दे कद जिड़ी सजा मिली चुप हो जा जंते चुप हो जा ऐस दुखे दिल चो कोई पतवा ना कड़ी मैनू तेरे कलेजे ते लगे जख्मां दी सौवें जंते पावे मेरे साह मुक जा जब तक मैं तेरे जिगर दे टुकड़िया नूं तेरे कोल ना लैवां मैं इस घर दी दलीस ते कदी भी पैर नहीं रखांगा कदी भी पैर नहीं रखांगा कदी भी पैर नहीं रखांगा ऐ की कर बैठी है बेटा कौन हो तुसी मैं कह रहा डैडी है बेटे नहीं मैं किसी डैडी नहीं जानती बोल के नसीहत कर बैठा बुराई मान गई है ले मैं वादा कर रहा हूं तेन कभी कुछ भी नहीं कहूंगा पर इस तरह गहरा मगर देख के मैं और सजा न दे नाल दास मेरा नाम तो बाली है घर छड़ के कपड़ों के नाल ना भी बदल लिया है बस हूं नाराज की बात कर दे मेरी गलती से की मजा ले कि तुम नाराज हुआ मैं जान दिया पता नहीं मेरी दुखियारी मां दिल ते की बीतनी होनी है डॉक्टर साहब ये किस तरह ने गला पे कर दिए खुदावन की कोई जरूरत नहीं चोर दी बदलना शायद दिमाग ते असर हो गया मेरे दिमाग में कुछ नहीं होया पता नहीं तानू की होगी उस चीज का बोल बेटे तेनू आराम की जरूरत है लेट जा नहीं नहीं मैं जान दिया मैं जान Thank you.
ਤੁਸੀਂ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਕਿਉਂ ਬੰਦ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ ਜੇ ਵੀ ਸਕੂਨ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਸਕੂਨ ਅਸੀਂ ਬੇ ਸਕੂਨ ਆ ਤੁਸੀਂ ਸਕੂਨ ਲੱਭਦੇ ਹੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਸਮਝੀ ਨਾਸ ਕਦ ਤੱਕ ਅਣਜਾਣ ਬਣੇ ਰਹਿਣਗੇ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕੀ ਹੋ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਚਾਹਨਾ ਵਾ ਅਖਤਰ ਸਾਹਿਬ ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਮਜ਼ਾਕ ਨਹੀਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਬਦਲਣੀ ਪੈਗੀ ਮੌਸਮ ਔਰ ਸੋਚ ਦਾ ਬਦਲਣਾ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਗੁੱਸਾ ਲਿਆ ਕੇ ਤੂੰ ਕਿੰਨੀ ਸੋਹਣੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਨਾਸ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਕੇ ਮਾਂ ਪੈਰ ਕਦੀ ਵੀ ਸੋਹਣੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ ਨਾਸ ਅਖਤਰ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਸ਼ਰਾਬ ਤੈਨੂੰ ਸਾਰੇ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਬੁਲਾ ਦੇਵੇ ਆਪਣੇ ਯਾਰ ਦੀ ਅਮਾਨਤ ਸਮਝ ਕੇ ਕਮਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਜਾ ਕਿਹੜਾ ਯਾਰ ਤੇ ਕਿਹਦੀ ਅਮਾਨਤ ਕਰੋ ਨਸੀ ਕੁੜੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਫਾਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਨਾਸ ਜਿੱਦਾਂ ਢਾ ਲਗੇ ਉਹ ਸਿਰਾ ਮਾਲ ਹੋਣੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਅਖਤਰ ਅਖਤਰ ਨਸਰੀਨ ਤੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਈ ਹੈ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਦੀ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਧੋਖੇ ਬਾਜ਼ਾ ਤੂੰ ਇਹਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਲੁੱਟਣਾ ਚਾਹਨਾ ਉਹ ਮੇਰੇ ਰਸਤੇ ਚਾਹਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਾ ਕਰ ਐ ਨਾ ਪੁੱਲ ਅਖਤਰ ਯਾਰੀ ਦਾ ਦਮ ਪਰਨੇ ਜਾਇ ਦਾ ਮਾਨ ਵੀ ਤੋੜ ਸਕਦੇ ਨੇ ਪਾਰੀ ਕੋਤ ਦੂਜੀ ਔਰਤ ਨੂੰ ਲੁੱਟਦੇ ਨਹੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੀ ਓ ਸ਼ਰਮ ਤੈਨੂੰ ਮੇਰੀ ਲਾਸ਼ ਤੋਂ ਲੰਘ ਕੇ ਤੱਕ ਜਾਣਾ ਪੈਗਾ ਅਖਤਰ ਮੈਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਦੇਵਾਂਗਾ ਬਦਮਾਸ਼ ਕਿਆ ਹੀ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਫਿਰ ਬਦਮਾਸ਼ ਜਾਤ ਆਈ ਬੁਲਬੁਲ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਬਚ ਸਕੇ
इन्नी मुद्दत बाद ये नसीब होया बाली है ते तू कहनी है मैं तैनूं जान दिया ना मैं बाली हां ना तैनूं जाननी हां कपड़े बदल के तू कोई होर नाम ही रख ले ते मैं फिर भी तैनूं पछानना बाली है तैनूं भुलेखा पे भुलेखा जे तू भुलेखा है ते रब दी सो की कितना ज्यादा सुनी ना छड दे नहीं तो मैं तेरे हाथ तोड़ देंगे आई ते मैं टुटियां बाहां नाल भी तैनूं अपने किन्ना ला लेंगे बाली दलीस तो बाहर पैर रखेंगी ते तेनू किसे सीने च ऐस बाबल वर्गा दिल नहीं मिलना जा मेरी धी अंदर चली जा 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 मेरी धी नंगा सिर गवाही पिया दिंदा कि जीता सच कहंदा सी गरीब मां ने चुन्नी चुपा के जड़ी इज्जत तेरे सिर ते दिती सी ओ किन्नी को महंगी वेच आई है ते बेहयाई दा कफन किन्ना को सस्ता कर दिया है वी सादा करके मां नु किन्ना को अमीर करते मार जाए ने घर दे क्या दई बोल ये मां नु बेगैरत बनाई दिता है ते फिर मां नु हटा भी दे बन के हिसाब नहीं देना ते फिर मां नु किधरे मां दी लिया दे बाली है कौन भुलेखा पे मैं तुहाडी ती बाली नहीं ए ते मैनू भी दिस रिया तू बाली नहीं रही पर तेरी शक्ल क्यों नहीं बिगड़ी तू बाली जई क्यों लग रही है हो सकता है मेरी शक्ल तुहाडी ती नाल मिलदी होवे पर मैं तुहाडी ती बाली नहीं मेरा ना नाज है ते मैनू इत्थे इक बुजुर्ग छड़ गए बुजुर्ग इत्थे छड़ गए वो कौन सी जेलो रिहा होके मैनू राह विच मिलिया सी मैं बेसहारा सा मैनू इस घर का पता देके अपनी धी नू लभण गया नी जे तैनू इस घर का पता देन वाला धी नू लभण गया
फिर मैनू पछाण नाजो, मैं ही तेरी 14 वरिया की विछड़ी हुई मां वा, करमा सड़िया तेरा प्यो साई। ए तुसी की कह रहे हो? निजे बचपन की कोई गल याद आती उते याद कर, तैनू तेरे प्यो को चुकवा के तकदीर ने ओनू ओदे जुर्मा की सजा दिती सी, नी मां ते पुलेका खा के तैनू सजा भी दे बैठी है। मां दे सामने खलो के तेरे लहू ने जोश नहीं उमारिया, रब दा वास्ता ही एक बेरी मां कह के बुला ला दिए, बुला ला दिए, एक बेरी मां कह के बुला ला, मां ना जा, ना जा। नाज बीबी दवाई पी लो। दवाई नहीं चाहिए, तुझे मैंने कार जानते हो, तुझे पुलेखा खाता, मैं नाज दी बालियां बालियां। नाज बेटे जो हो सके तो इस तस्वीर में चुटला दे, जी आप लोग आके अपने हथी इस कार सजाई जाए। ਦਿੱਲ ਦੀ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਐਡੀ ਕੁ ਨੂੰ ਪਾਲ ਕੇ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਕਰਨ ਦਾ ਕਸੂਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਵੱਡਿਆ ਹੋ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਭੁੱਲੀ ਸੋ ਭੁੱਲੀ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਛਾਣਦੀ। ਜੇ ਉਸ ਕੁੜੀ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪਾਲਿਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਧੋਖਾ ਖਾਧਾ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਂ ਪਛਾਣ ਗਈ ਹਾਂ। ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਇਹ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਹੈ। ਤੇਰੀ ਭੈਣ? ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਕੋਲ ਲੈ ਚਲੋ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸਾਂ ਤੇਰੀ ਦੂਜੀ ਧੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਲੱਗ ਗਈ ਫਿਰ ਗੁਆਚ ਗਈ। जरा जिनी गल मननी क्यों मुश्किल हो गई जी, मैंने मेरी मां को ले चलो, चोर सच का आपे पता लग जाएगा। तो फिर चल पीले। सलाम अलैकुम। वालेकुम सलाम। पुत्र मैनू माफ कर देवी, राती मैं तेरे नाल बड़ी ज्यादती की सी। जी मेरे नाल तो तुसा कोई ज्यादती नहीं की थी। नाले मेरे से तुहाडी मुलाकात अस पहली बारी हुई। भैन जी मेरा ख्याल है तुसी नाजो दे पलेके जिथे आ गए हो, मैं नाजो दा डैडी हाँ, मैं फरमाओ की हुक्म है। मैं अपने पुत्र के रिश्ते वास्ते तुहाडे वाल आई हाँ। भैन मेरी ये अज ते मैं बाली ते नाजो दे पलेखे च फसया आया, तुसी भी आओ मेरे नाल। बाली है मां मरे कितने टुर गई सर, ऐ की होई तकदीर उस कर लै गई सी मां, जिथे तेरी नाजो पली सी, पर जो तो मैं उथे पहुंची ओ घर छड़ के जा चुकी सी। नसीबां दी लुकर मिट्टी खरे कदों मुकेगी मां? नी सोने रब ने साडियां सारियां आजमाशां दूर कर दित्तियां, नाजो घर आ गई है, मेरी भैन घर आ गई है। ऐ कौन है? ऐ वो फरिश्ते ने मां, जिन्होंने तेरी ती नाजो नूं प्यो बन के पालिया सी ते मैनूं घर छड्डण आए ने। मेरी ती नूं प्यो बन के पालन वालिया वीरा धीरे बूहे ते आके गैर बन के क्यों खलोता है? अंदर आ जा, आ जा भैना। नाजो बाजी मेरी बड़ी, बाजी ए विला थ्रोन ती नहीं, आज ते खुशी दे उतर निकल आए ने मेरी भेने। बह जा भैना, बह जा वीरा। भैन जी नाजो की नाल एक बार उच्चा बोलिया सा ते नाराज होके घर छड आई है, पर मैं कहना भी चंगा ही होया, मेरे नाल नाराज होके मां दी ठंडी छां नसीब हो गई सो। मेरे वालों इन्ना कह दियो जे मेरे तो कोई गलती हो गई हो तो मैनू माफ कर दियो। डैडी माफी ते मैं मंगनी सी डैडी, पर तुहाडा सामना करन दी हिम्मत ही नहीं सी। घर छड के डैडी नूं ते अथरूं जोगा घर छड्डे चलिए। रोए तुसी ओ डैडी, ते अक्खां मेरियां भी नहीं सुखियां, मैनूं माफ कर दिओ डैडी, मैनूं माफ कर दिओ। नाजो तीए अच्छा तीए जिथे तुम्हें सदा सुखी रहना। भैन जी जदों मैं नाज दा प्यो सां
तेरे धी का सवाल लेके मेरे को आए सन। हूं नाज धी अपनी मां को पहुंच चुकी है, इन्हों का सवाल मैं तुहाडे कोल करना। वरिया की बिछड़ी मिलिया घड़िया ही गुजरिया ने, हाली ए बछोड़े की गल न कर पीरा। तियां खुदा दी ओ देन ने भैन मेरी है, जेड़िया मापिया के घर हमेशा कदी भी नहीं रही। ए मेरे पुत्र की कली खुशी है, ते मैं खाली हाथ कोई नहीं जाना। भैन जी ए मेरा पुत्र है। की सोच रही भैणा? जे धी ने टुर जाने लई मिलना सी ते सोच ऐ रही हां, ऐस बूहे ते जंजा दो आन गियां, एक ते शर्मा वाला टुर के आप आ गया है, ते दूजे कर्मा वाले नू मैं आप मनान जावांगी। तू
अल्हम्दुलिल्लाह मौला करीमा आज इस बूटे नु तैयार दिन दिखा दिता है जिदिया दोवें कलिया सर पता नहीं उस जालम माली का की हाल होगा जिन्हें अपने हाथी अपने बूटे की कली तोड़ी सी बदनसीब बाबला सारी जिंदगी रच के अब्बा ते खवा नहीं सकिया पर हूं अपनी बदनसीबी का परछावा अपन धियां के शगनों ते ना पैन दई कुहार बन जा ना ढोलियां दा ताजिया ते सिर तो लैके पैरां तक चीर दे अपने आप नूं ऐ दोवे मुंडे ना दूआं ढोलियां नूं ला दे जिन्हां नूं तेरी इक बुल ने ना मसूमा दा पार नहीं चुकड़ दिता माशाला तियां दियां चच्चां दे नेड़े आ गईआं ने पासे दे दरवाजे बंद करके सारे लोग केस के अंदर बह जाओ जिवें तुसीं मर गए हो जे तुहाडे चों मैनूं कोई जिंदा दिसिया ते मैं उहनूं गोली मार दिया वीरा मार ना चाहीं इहनां गोलियां दे नाल ਇਹ ਆਵਾਜ਼ ਕਿਸੇ ਐਸੇ ਡਾਕੂ ਦੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਘਰ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਲੁੱਟਣ ਆ ਗਿਆ ਤੂੰ ਬੇਫਿਕਰ ਹੋ ਕੇ ਅੰਦਰ ਧੀਆਂ ਕੋਲ ਜਾ ਭੈਣ ਮੇਰੀਏ ਕਿਸੇ ਡਾਕੂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਮੇਰੀ ਲਾਸ਼ ਤੋਂ ਲੰਘਿਆ ਪਏਗਾ ਅਲਾ ਦਾਖਾ ਤੂੰ ਜਲਦੀ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਇਤਲਾਹ ਕਰ ਪਿਛਲੀ ਖਿੜਕੀ ਤਾਂ ਦੱਬ ਜਾ ਓਏ ਕਰਮਾ ਵਾਲਿਆ ਓਏ ਚੌਧਰੀਆ ਓਏ ਭਲਿਆ ਲੋਕਾ ਆਏ ਗੋਲੀਆਂ ਵਾਲਾ ਹੱਥ ਰੋਕ ਲੈ ਓਏ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ ਤੂੰ ਜਿਉਂਦਾ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆ ਗਿਆ ਜੇ ਤੂੰ ਵਿਆਹ ਨੇ ਘਰ ਦਾ ਕੁਝ ਲੱਗਣਾ ਤੇ ਫਿਰ ਕੰਨ ਖੋਲ ਕੇ ਸੁਣਦਾ मैं चुकन है उस कुड़ी नू जिहड़ी सूआ जोड़ा पा के अंदर बैठी हुई ओए भलिया लोका ऐ जुलम ना करी ऐ जुलम ना करी ओए पागल बुढ़िया तू मेरा हाथ रोकने वाला कौन है मैं ना दूआं कलियां दा माली हां जिहड़ियां अज फुल बन के विद्या हो रही ने ते फिर पहला मैं तेनू गोली मारांगा बाली नू लैके तेरी लाश चुलंग जावा फिर मैं कहना है रात साफ करते हुए इतों मेरिया धीं दिया डंडिया लगनिया ने ਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਡੋਲੀਆਂ ਤੇ ਟੁਰਦੀਆਂ ਵੇਖ ਲੈਣ ਦਿਓ ਤੇਰੇ ਜੇ ਕਾਤਲ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਪਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ
मुजरम इसे थानेदार साहब पर तिया का प्यो भी हाँ। अज तिया घर छड़ के जा रही ने, तुम मैनू इनी एक इजाजत दे दौ कि मैं उन्होंने सहरे से टोर लव। मैं कानून के हथों मजबूर हाँ। ताजिया जेल साहब, तुम मेरी सिफारिश करते हो। थानेदार साहब, तुम इस शख्स की ख्वाहिश पूरी कर दो। मैं जिम्मेदारी लैना कि मजीद कोई खतरनाक कदम नहीं चुकेगा। तुम फरमा दो जेलर साहब तो इजाजत। जेलर साहब, जनते ताजिया, ताजिया वावे तिया दिया बाबला कर दिया दलीजा दे जदों भी पैर रखिए अपने पीछे पीछे कानून दिया जंजीर ही लैके आया। पर आज तो बाद ऐस कर दिया दलीजा दे जंजीर कदी नहीं आनगिया, कदी नहीं आनगिया। बालिए नाजो नी जीवन जोगियो बाहर आके वेखो, ऐ वेखो तुहाडियां टोलियां दा कहार आया जे नी कहार भी हो जे जिन्हों तुसी सारी हयाती बाबल कहन लई तरस दिया रहियां हो। नी जीवन जोगियो बाहर आओ, मर जाए जे मां अपने बाबल नू वेख लवो। मेरी बच्ची आज मैं सिर उच्चा करके आखांगी जे ताजे वर्गे बाबल बन जान ते फिर दुनिया किसे धी का सिर नंगा नहीं कर सकती, किसे बीवी दियां नजरां नहीं चुक सकदियां।